students in last module we uh, studied what is kendall tau b when we use this test and how do we uh, conduct this test by the help of uh, with the help of spss software and now we are going to do one exercise uh, of kendall tau b correlation coefficient in spss software let's see how do we perform this test in spss software स्टूडेंट्स ये मेरे सामने एक डेटा सेट खुला हुआ है जिसमें कैंडिडेट्स की चार इंटरव्यूअर्स ने वेल्यूशन की हुई है तो हम ये देखते हैं वन बाय वन इनके पेयर्स में क्या रिलेशनशिप है यानी वन की टू के साथ आ, क्या एसोसिएशन है टू की थ्री के साथ और फिर थ्री की फोर के साथ हम वन बाय वन ये कैलकुलेट करते हैं तो क्यों रिलेट में जाएंगे बाईवेरिएट में जाएंगे बाईवेरिएट में हम टू और थ्री की कोरिलेशन कॉफिशेंट देखते हैं बाय चेकिंग कैंडल टॉबी। क्योंकि ये डेटा रैंक डेटा है इसको हम ओके okay करेंगे तो ये हमारे पास टेस्ट कंडक्ट हो के आ गया है जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है टू स्टार एक्सेप्ट हुआ है यानी पी वैल्यू जो है वो पॉइंट से कम है और रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है वो क्वाइट सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग है और ये इसकी वैल्यू पॉइंट सेवन एट एट है आ, अब हम देख लेते हैं वापस कोर में जाके बायवेरिएट में टू के बजाय थ्री का फोर के साथ तो ये भी हम देखते हैं कि थ्री और फोर की वैल्यूएशंस में भी रिलेशनशिप है और ये जो है पॉइंट सेवन एट है इसकी वैल्यू इससे पहले वाले की पॉइंट सेवन एट एट थी अब हम इन में जो है वन का फोर के साथ रिलेशनशिप देख लेते हैं तो ये उन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्ग है पॉइंट एट वन एट है तो ये कंपैरेटिवली जो हमने पहले दो पेयर्स का टॉप भी कंप्यूट किया है उनसे इसकी वैल्यू हाई है और ये फो वन का फोर के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली स्ट्रांग है तो ये प्रोसीजर है एस पी एस एस में कैंडल टॉप बी का आ, को कैलकुलेट करने का याद रखिए ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है आ, इसके लिए डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना ज़रूरी नहीं है मगर इसके लिए जो है उनमें मोनोटॉनिक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है वेरिएबल्स के दरम्यान यानी वो एक लीनियर रिलेशनशिप हो और इसके साथ साथ डेटा जो है वो ऑर्डिनल हो या रैंक्ड हुआ हो तो तब हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं